हे गाइस, गरिमा द सैड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव गरिमा। कैसे आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज के सीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छी चीज़, जिसे देख के हो जाने वाले हैं आप खुश, स्पेशली फॉर द गर्ल्स। ये देखिए, मैंने एक ये वैनिटी बॉक्स परचेस किया है रिसेंटली। मैंने ये वैनिटी बॉक्स लिया है और ये मैंने लिया है अमेज़ॉन से। इसको लेने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मेरा सारा मेकअप एटलीस्ट इसमें सेटल हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है, कहीं जाना होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। ये वाला मेकअप रखो, वो रखो, कुछ भूल जाओ, तो मेकअप तो खैर इंपॉर्टेंट है, तो मेकअप तो रखना बनता है। तो ये जो वैनिटी बॉक्स है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही अच्छे प्राइस में और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिलने वाला है। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है। इसका प्राइस है, ये आपको 700 टू 800 के बीच में मिल जाएगा, यानी 700 से 800 रुपये के बीच में ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ सबसे पहले इसके कलर की। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, प्रिंटेड भी हैं। उसके शायद प्राइस ये इंक्रीज़ कर देते हैं, लाइक अगर कोई प्रिंटेड वगैरह है, ज़्यादा कलरफुल है, तो शायद उसका प्राइस थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, कम तो नहीं होगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा ये बॉक्स है। मैं बताती हूँ उसकी ये जो हाइट है ना, ये इस तरीके से ये ऊँचाई ये होगी 9 सेंटीमीटर, और बाकी इस तरीके से अगर देखें तो ये 25 बाय 22 सेंटीमीटर का ये है। ठीक है, इसमें यहाँ पर ये इस तरीके से चेन दे रखी है दोनों साइड इसको बंद करने के लिए। यहाँ से फिर हम इसको खोलते हैं। ओके, खोलने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये देख सकते हैं आप। इसमें इस तरीके से उन्होंने सेक्शन दिए हुए हैं, ये छोटे सेक्शन है, ये तीन बड़े पार्ट्स हैं, बड़े सेक्शंस हैं। बड़े सेक्शन में आप अपना फाउंडेशन वगैरह, क्रीम वगैरह रख सकते हैं, छोटे में आप काजल वगैरह या कोई छोटी वाली जो डिब्बी वाली चीज़ें हैं या छोटे छोटे बॉक्स हैं, या इस तरीके से आप रख सकते हैं, कॉम्पैक्ट वगैरह सब सेटल हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी आप देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं मुड़ने वाला, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने आपको बताया, ये सारे पार्ट्स हैं, ये एडजस्टेबल भी हैं, देख सकते हैं आप। इस तरीके से आप इन्हें निकाल के एडजस्ट कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें कहीं और फिक्स कर सकते हैं। लाइक आपको ये यहाँ फिक्स नहीं करना है तो आप इसको इस तरीके से रिमूव करके यहाँ फिक्स कर दो, जहाँ आप चाहते हो ना वहाँ ये फिक्स हो जाएगा आसानी से। ये देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा टाइट है। हाँ, हो डन। मुझे भी थोड़ा सा टाइट लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर ना मैं इसमें एडजस्ट करी थी, जबकि गैप दे रखा है ना, इसमें एडजस्ट करना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इस सेक्शन की। ये हो गया हमारा सेक्शन, इसके बाद ये वाला सेक्शन है। यहाँ पर ये इस तरीके से आपको ये सेक्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप जितने भी अपने ब्रश वगैरह हैं ना, वो सारे रख सकते हैं। ब्रश वगैरह रखने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। इसके बाद साइड में आपको एक और जगह मिल रही है, यहाँ आप अपने आई शेडो पैलेट वगैरह रख सकते हैं। देख सकते हैं हम कि ये मेरा हाथ कितना अंदर गया है। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लेंगे, यहाँ से लेके बिल्कुल मेरे फिंगर से लेके मेरा वॉच कवर हो गया है, मेरा रिस्ट, तो इतना बड़ा ही आराम से इतना सेक्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इतने सेक्शन में आप आई शेडो पैलेट आराम से रख सकते हैं। सारे आई शेडो पैलेट इससे ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं, गैस है ना, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें आपके आई शेडो आ जाएंगे, ब्रश आ जाएंगे, इसमें आपका फाउंडेशन, कंसीलर, आपके कॉम्पैक्ट पाउडर और भी एक्सेट्रा, आपकी जो भी मेकअप की चीज़ें आप लोग जो भी यूज़ करते हैं, वो सारी इसमें आसानी से आ जाएंगी। बाकी मैं वीडियो में आपको ये पूरा कवर करके दिखाऊंगी कि मैं इसमें मेकअप कैसे कैसे रखती हूँ, और यू नो क्या क्या मेकअप की चीज़ें हम इसमें रख सकते हैं, तो वो आपको भी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल मैंने इसका एक छोटा सा रिव्यू दिया है कि ये इस तरीके से है, आप इसको चलिए देखते हैं कि इसमें हम किस तरीके से मेकअप रखने वाले हैं, और मेकअप रखने के बाद ये किस तरीके से लगने वाला है, और ये कितना यूज़फुल होने वाला है वो भी आपको पता लग जाएगा, और ये भी पता लग जाएगा कि एक्चुअल में इसमें कितना मेकअप आ सकता है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को मेक श्योर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल क्रिएटिव गरिमा को, बेल आइकन को हिट कर देंगे ताकि आप मेरे आने वाले सारी वीडियो से नोटिफाई हैं, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे